राम को तो मानस में चिस्कंदा कांड का देखे अंत हुए बटे सुंदर कांड का प्रारंभ हो जाए। भगवान श्री राम ने अपने अक्षण सेना को इकट्ठी करके कहा दामन वो समय आ गया है सुग्रीव जगह को समय को अपन इंतजार कर रहे हैं। चतुर्मास वर्षा ऋतु समाप्त हो चुका है, नदी नाला सब शांत हो चुका है और अब लंका के वास्ते बोलो कौन सो युद्ध जाने वास्ते तैयार है, जो समय को अपन इंतजार करा वो समय आ गया। लेकिन लंका का नाम लेते ही भगवान की पूरी सेना निष्फल हो जावे है, कोई सामने तक भी नहीं देखे भगवान के जामन की तो बहुत बड़ी बड़ी बात करेगा, रामांतर में तो बहुत बड़ा बड़ा योद्धा है लेकिन रामांतर में तो ऐसा कोई योद्धा है नहीं लंका जाकर भी हासिल है। जामंत के प्रभु रामांतर में जितने बड़े बड़े महान योद्धा बैठे हैं ये पूरी लंका को उठा करके आपके चरणों में अर्पण कर देवे, ऐसा योद्धा है कौन? जामंत ने इशारा किया देखो महाराज हनुमान जी का दूजे अपने आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी में शांत भाव से बैठे सुन रहे सबकी बात, लेकिन हनुमान जी श्रापित थे, संजल का शरीर कभी बलका नहीं था, ओढ़ दी ऋषि मुनियों के देते तुम भी बर्तन फोड़ दियो दे करके शराब ऋषियां दियो बल को मोड़ दियो बिड़ताया बल जाग जा कभी बैठे संत मती को। हनुमान जी बचपन में इतने चंचल थे कि संत महात्माओं के सारी सामग्री शालिग्राम माला आदि सागर में फेंक दिया करता, नदियां में फेंक दिया करता, संतान उठा उठा करके फेंक दिया करता। तो एक दिन एक दिन शराब दे दियो महाराज आप अपने बल को भूल जाओ। दूसरे ऋषि बोले महाराज आपने ठीक नहीं किया, हनुमान जी तो बहुत बड़ो बड़ो काम लेना है। दया बोले जब दिन हनुमान जी ने बल याद करा जिस दिन हनुमान जी के बल की प्राप्ति हो जाएगी। जामंत नहीं मात वो ध्यान हो जामंत हनुमान जी कहने गई हनुमान हे अग्नि नंदन हे पवन पुत्र हे वायु सिद्ध हे केसरी नंदने आप तो भगवान शंकर की अवतार हैं और आप तो महाराज बड़े महान हरिपाल समय रवि भक्ष लियो तो तीनों लोग भयो अंधियारो कौन नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम एक घर। बचपन में सूर्य भगवान ने मुंडे में दबा लिया और आज भगवान के कार्य वास्ते लंका जाता शर्माओ वाह। जब हनुमान ने धीरे धीरे शक्ति प्राप्ति हुई खड़े होकर के हनुमान ने चारों दिशाओं में देखा गर्जना करी सागर का पानी धीरे धीरे हिलने लगा सब सोने का सुमेर गिरी नैन हो गई लाल लाल सोने के पहाड़ की तरह हनुमान जी खड़े हुए चारों तरफ देखा भगवान के प्रभु बोलो मुझे कौन सा कार्य करना, यदि आपको तो लंका को उठा करके सागर में फेंक डालो, यदि आपको तो रावण को बंदी बना करके आपके चरणों में ला करके बिठा दो, यदि आप कहो लंका को जला करके भस्म कर डालू, यदि आपको तुम्हारा सीता को उठा करके रामांदर में अभी ले आऊ। भगवान के हनुमान ऐसा कुछ नहीं करना है, केवल रामांदर में जाकर के उस सीता जी का पता लगा लंका में सीता जी किसी प्रकार निवास करती है। तो हनुमान जी भगवान की आज्ञा लेकर के लंका की तैयारी करें और भगवान श्री राम हनुमान जी के कंधे पर हाथ धर करके सागर कर ले जाए और बता के हनुमान वो 100 योजन का सागर यानी 400 कोस को समुद्र है यानी समुद्र में ऊपर कर जा करके और पार करण होएगो। सीधा नेत्र कोण की ओर बढ़ो जितने भी सागर की समाप्ति का हो जाएगी बट आगे लंका नगरी धनी प्राप्त हो जाएगी। भगवान हनुमान जी कंधे पर हाथ धरे और हनुमान जी ने अथा शक्ति की प्राप्ति है। तो हनुमान जी भगवान श्री राम ने कहे प्रभु लंका और किन्हीं जाने की जरूरत नहीं, लंका केवल मैं जाऊंगा। सरदाबिया तो बहुत कवि की कल्पना है लेकिन सबसे बड़ी कल्पना एक एक चौपाई को निगरणी एक एक चौपाई को कवि रूढ़चंद जी ने बड़ो लंबो विस्तार दिए रामचरित मानस को सुंदर कांड को। तो कवि कहे ओ जी बलि त्यार हुआ हनुमान जी